हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOT भी कहते हैं। वैसे तो हम वीडियो जो है वो चैप्टर वाइज ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मैम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी प्रोवाइड की गई थी। इसके पार्सुलेट होते हैं। फर्स्ट देखते हैं, एटम जो है वो कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। ये तो आपको पता होगा ही कि एटम जो है वो कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसको देखते हैं, इससे यहाँ पर देखिए, ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जो है मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? ये दोनों जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। पॉइंट देखते हैं, एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट क्या होता है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म आर इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन मिक्सिंग। समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ये दोनों मिक्स हुए हैं तो कितने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तीन ये हो गया, तीन ये हो गया है, तो सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो कितने बने हैं? सिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। वही बोला गया है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे। BBT का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? ऑल इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं, इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 1s का ऑर्बिटल है, 2s का ऑर्बिटल है, 2p का ऑर्बिटल है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इन सब में सब जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में LCAO कहते हैं। सिक्स पॉइंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन के एडिशन से फॉर्म होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन के एडिशन से फॉर्म होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। अब इसका एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये जो है ए कोई एटम है और उसका वेव फंक्शन ये वाला है साई ए स्क्वायर, और बी दूसरा कोई एटम है और उसका वेव फंक्शन ये है साई बी टू का स्क्वायर। अब ये वेव फंक्शन जो है वो कंबाइन होंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ये क्या बनेगा? साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए तो इसको तोड़ भी सकते हैं आप, ऐसे साई
ए का स्क्वायर साई बी का स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी, ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन के एडिशन से फॉर्म होते हैं। अब सेवेंथ पॉइंट देखेंगे। सेवेंथ पॉइंट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन के सब्सट्रैक्शन से, मतलब घटाने से प्राप्त होते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वेव फंक्शन के सब्सट्रैक्शन से प्राप्त होते हैं। अब ये देखिए, ये भी किसी एटम ए और बी मान लीजिए, और इसका वेव फंक्शन है साई ए का स्क्वायर साई बी का स्क्वायर, वेव फंक्शन है। और जब इसका सब्सट्रैक्शन होगा तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। और इसको जब तोड़ेंगे हम तो साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी, ये हो गया आपका फार्मूला। अब नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। ये वाला जो नीचे है ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी ये जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो नीचे होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये वाला भी बॉन्डिंग है, ये वाला भी बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नीचे का जितना होता है ये और ये सब, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट पॉइंट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम होती है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। यहाँ से समझिए तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, और ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे यही बोला गया है बेसिकली कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ये आपको खुद ही पता चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, इसकी एनर्जी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो एनर्जी ऑर्डर आपको देखना होगा। एनर्जी ऑर्डर आप जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको इसकी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर जाके किसकी है, एटॉमिक ऑर्बिटल की। जो जितना ऊपर होगा उसकी एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर जाके किसकी एनर्जी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया हो। तो अब इसको देख लेते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, वाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। एनर्जी ऑर्डर है ये आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। नाइन्थ पॉइंट देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो है हम कैसे निकालेंगे, एन बी माइनस एन ए बाई टू। अब एन बी और एन ए क्या है, एन बी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हो जाएगा एन बी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हो जाएगा एन ए।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 10th पॉइंट देखेंगे, ऑल रूल्स मतलब सभी रूल्स, अपबाव हो गया, हुंड्स हो गया, ये सब रूल जो हैं वो वैलिड होते हैं कब, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तब ये सब रूल जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, लागू होते हैं। ऑल रूल्स आर वैलिड इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पॉइंट हो गया। देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के फर्स्ट क्या है, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 14 के बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे कम होंगे या तो उसके बराबर होंगे, तब जाके ये वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखिए एस वन और एस वन के ऑर्बिटल जो है मिक्स हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, सिग्मा एस वन एस और सिग्मा स्टार वन एस, और यहाँ पे 2s और 2s का मिक्स हो रहा है तो क्या बना रहा है, सिग्मा 2x सिग्मा स्टार 2x, और यहाँ पे 2p और 2p का मिक्स हो रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे पाई 2px पाई 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा 2px, और यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये हो गया आपका पाई स्टार 2py, और ये क्या है सिग्मा स्टार 2pz, ये आपका फॉर्मेशन होगा। ये डायग्राम आपको दो तीन बार बनाना होगा फिर जाके आपको याद होगा, ये आपको खुद ही याद करना होगा। और ये जो है एनर्जी जो है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है इसका, देखिए यहाँ पे देखिए, चलिए अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल से समझते हैं। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये क्या बनाएंगे, मिक्स होंगे, तो सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल किया जाता है, तो एनर्जी इसकी कम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होंगे, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एन बी माइनस एन ए बाई टू। एन बी का मतलब क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एन ए का मतलब है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस में अब देखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, तो जीरो बाई टू, तो क्या हो गया, टू बाई टू इक्वल टू वन, इसका बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन का देख चुके हैं। अब हीलियम का देख लेते हैं कि हीलियम का कैसे किया जाता है। हीलियम में आप जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पे हीलियम मॉलिक्यूल है तो एक हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन और इसके पास चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और एक दो इलेक्ट्रॉन इस वाले में, दो इलेक्ट्रॉन इस वाले में, दो इलेक्ट्रॉन इस वाले में भरा जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे, बचा दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एन बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो है यहाँ पे, फिर एन ए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये भी दो है बाई टू, तो ये हो जाएगा जीरो आएगा ये, अगर जीरो आ रहा है तो मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब है हीलियम टू के रूप में मॉलिक्यूल के रूप में फॉर्म ही नहीं होता है, हीलियम मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है, एच ई टू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लिथियम में थ्री होता है, थ्री होता है, तो थ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड में रहेंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड में, सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नीचे तो आपका सॉर्टेड है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन था तो ऐसे फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए हैं हीलियम में, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नीचे जिसकी एनर्जी कम होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले में भरे जाएंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे कैसे होगा,
सबसे पहले देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे देखिए दो और ये भी दो हो गए, चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में दो हैं तो दो हो गया, बाई टू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 by 2 = 1। तो हीलियम मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। अब आप कर लीजिएगा ऐसे, आपको हम लास्ट करवा दे रहे हैं नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नाइट्रोजन का देख लेते हैं, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन तो दो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसका फिलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यहाँ पे 4 कर दीजिए, 4 हो गए, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए इधर साइड में, ये भी हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी फिलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे फिल किए जाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले तो ऐसे भरे जाएंगे, एनर्जी सेम है तो पहले ऐसे भरे जाएंगे, फिर जाके ऐसे भरे जाएंगे, पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे दोनों ऑर्बिटल में, फिर इसके बाद इसको डबल किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, फिलिंग आपको समझ में आ गई होगी कैसे भरना है। सबसे पहले नीचे वाला भरेंगे फिर जाके ऊपर वाला भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जिसकी एनर्जी सेम है जैसे यहाँ पे सेम है ना, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर जाके दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या देखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, कितने हो गए 10 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 2 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बाई 2, तो कितना आएगा 6 by 2 = 3। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। कंडीशन देखेंगे जब मॉलिक्यूल्स के पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, तो ऑर्बिटल डायग्राम इसका क्या होगा। ऑर्बिटल डायग्राम तो यहाँ तक तो सेम होता है, केवल कहाँ डिफरेंस आता है, ये वाला जो नीचे था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल नीचे थे ना वो ऊपर चले जाते हैं और ये वाला एक ऑर्बिटल नीचे चला आता है। यहाँ पे देखिए दो ऑर्बिटल जो है वो ऊपर चले गए हैं और जो एक ऑर्बिटल था ऊपर वो नीचे चला आया है। और यहाँ पे देखिए ये तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा, केवल यहीं चेंज आता है। जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यहीं पे चेंज आता है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। और एनर्जी डायग्राम ये है आपका, मतलब ये ऊपर जाने पे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा 1s का सबसे कम होगा, फिर उसके बाद होगा सिग्मा स्टार 1s का, फिर सिग्मा 2s का, सिग्मा स्टार 2s का होगा, फिर उसके बाद फिर सिग्मा 2pz का होगा, फिर पाई 2px = π 2py। अब इक्वल टू में क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है, इसीलिए इक्वल टू में लिखा गया है। और सब फिर इसके बाद सब इसका ज़्यादा होगा सिग्मा पाई स्टार 2px का, फिर इक्वल टू में है पाई स्टार 2py, फिर इसके बाद है सिग्मा 2pz। अगर आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये एनर्जी जो है, एनर्जी का ऑर्डर उसको याद करके इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल करके निकाल सकते हैं कि क्या कैसे है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल करके निकाल सकते हैं कि कैसे होगा। अब इस पे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होंगे उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड में फिल करना है और 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड में फिल करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दीजिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन,
चार इलेक्ट्रॉन ये हो गया ना। अब चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी भर दीजिए, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गए। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी चार भर दीजिए, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे फिल करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले नीचे वाला ऑर्बिटल फिल होगा, ये हो गया, फिर ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा, फिर जाके ये वाला नीचे वाला ऑर्बिटल फिल होगा, फिर ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा नीचे वाला, फिर ये वाला ऑर्बिटल फिल होगा। कैसे फिल होगा? एक इलेक्ट्रॉन पहले देंगे दोनों को, क्योंकि एनर्जी जो है दोनों की सेम है, फिर जाके दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे फिल होगा ये। अब इसके बाद देखेंगे कितने हो गए, यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन हो गए ना यहाँ पे फिल। अब हमको आठ इलेक्ट्रॉन भरने थे यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। ये आपको फीलिंग, आई होप फीलिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कैसे निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दो दो और छः यहाँ पे, तो कितने हो गए, टेन हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, छः हो गए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई टू। अब इसको माइनस करेंगे, फोर बाई टू, टू बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया टू। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल का आप खुद से करके देखिएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है और इसका इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में आप देख लीजिएगा खुद से। वीडियो ख़त्म होने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स दे दीजिए। ये आपको हम नोट्स ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नोट्स नहीं है तो क्या है? डिटेल मिली कि आपको हम ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोग कहते हैं नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए एक ही डायग्राम में हम आपको समझा दिए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बार बार डायग्राम बनाना है जिससे आपको याद हो जाए। अगर डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाला एनर्जी का जो ऑर्डर है इसको याद कर लीजिएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल करके आप देख सकते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।